Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform. And in today's particular video, we are going to study present perfect continuous tense. Okay, guys. ठीक है? अब देखोगे कि perfect and continuous. ठीक है? हम लोग states of action में discuss कर चुके हैं कि ये perfect क्या होता है and continuous क्या होता है. ठीक है? ऐसा देखोगे तो present perfect continuous tense is nothing but mixture of two tenses. Here you can see present perfect tense and present continuous tense. समझ रहे हो? इसमें दो action मिला हुआ है. ठीक है? एक तो perfect action and एक continuous action. अगर दोनों को merge कर दिया जाता तो हमारा tense बनता वो क्या होता है? Present perfect continuous tense. ठीक है? अब देखोगे थोड़ा सा एक हिंदी example से समझते हैं. जैसे अगर बोला जाए, ठीक है? हम लोग, ठीक है? पांच दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप हिंदी एग्जांपल से समझोगे. ठीक है, मे भी समझ में आए अच्छे से. ठीक है, लिखा हुआ है हम लोग पांच दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पांच दिनों से. अगर सिर्फ इसको हटा दिया जाए तो आप पढ़ोगे तो क्या होगा? हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये एक्शन एक कॉन्टिन्यूस का है. हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? वी आर स्टडिंग टेंस, यही ना बोलोगे. बस चेंज ये आया, ठीक है, कि इसमें एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पांच दिनों से ऐड कर दिया गया, फाइव डेज ऐड किया गया. ठीक है, तब देखोगे जब कोई भी कॉन्टिन्यूस एक्शन में, कौन से एक्शन में? कॉन्टिन्यूस एक्शन में अगर टाइम ऐड कर दिया जाता है ना, ठीक है, तो वही हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसको थोड़ा सा और समझोगे एक टाइमलाइन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे एक टाइमलाइन ड्रॉ किया गया. ओके, तो ये टाइमलाइन पे यहाँ पे डिनोट करते हैं कि ये क्या है, आज का जो टुडे है वो. ठीक है, जो अभी जो लाइव एक्शन चल रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो. ठीक है, इससे पीछे जाओगे ना, ठीक है, तो एक लेक्चर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, एक लेक्चर यहाँ पे, एक लेक्चर यहाँ हुआ, एक लेक्चर यहाँ, एक लेक्चर. ठीक है, इस तरीके से हमारा पांच लेक्चर जो है टेंस का वो क्या हो गया था? कंप्लीट. इस टाइमलाइन जो है, इस पॉइंट से आप जरा सा भी पीछे जाओगे, इस पॉइंट से आप जरा सा भी पीछे जाओगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या होगा? एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा. तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट डे से हम लोगों ने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो फाइव डेज का जो वर्क है, फाइव डेज का जो एक्शन है, हम लोगों ने कंप्लीट किया. ठीक है, हम लोगों ने पांच दिन का लेक्चर कंप्लीट किया. लेकिन अभी भी एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अभी भी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कल भी पढ़ने वाले हैं, उसके नेक्स्ट डे भी पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक को. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट के आगे ये एक्शन क्या है? गोइंग ऑन है. ठीक है, अभी भी क्या है ये एक्शन? गोइंग ऑन. यहां तक आप देख रहे हो कि यहां तक का एक्शन तो क्या कर लिया गया? परफेक्ट कर लिया गया. परफेक्ट बोलने का मतलब एक्शन को क्या कर लिया गया? कंप्लीट कर लिया गया. ठीक है, एक्शन को कंप्लीट कर लिया गया. लेकिन अभी भी एक्शन आगे जाकर देखोगे गोइंग ऑन है. गोइंग ऑन एक्शन बोलने का मतलब कौन सा एक्शन? कॉन्टिन्यूस एक्शन. तो आप देख रहे हो इस टाइमलाइन के थ्रू आपको समझ में आ रही है कि पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट. पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट मतलब वो कौन सा एक्शन बन गया हमारा? परफेक्ट एक्शन. एंड अनदर पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. अनदर पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. अनदर पार्ट जो है एक्शन का अभी भी क्या है? गोइंग ऑन है. तो ऐसे एक्शन को ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये जो फाइव डेज है ये क्या है अपने आप में? एक टाइम. अब एक देख रहे हो ये वर्ड से. ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसी को हम लोग यूज करते हैं कौन से वर्ड से? सिंस एंड फॉर. क्लियर? और इसी सिंस एंड फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया जाता है, जो भी टाइम होता. ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम फाइव डेज, सिंस फाइव ओ क्लॉक. समझ रहे हो ना? क्लियर? अब यहां पे देखोगे इसको हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इस एक्शन को क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ एन एक्शन, पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट. पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड अनदर पार्ट इज, एंड अनदर पार्ट आप लोग देख रहे हो टाइमलाइन के थ्रू, अनदर पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, अनदर पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन.
समझे ना, ठीक है, कि पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, यहां तक एक्शन डन कर लिया गया, यहां तक एक्शन को परफेक्ट कर लिया गया, लेकिन अभी भी आगे देखा जाए तो एक्शन क्या है, गोइंग ऑन है, अभी भी कॉन्टिन्यूअस मोड में है। क्लियर, आप लोग हिंदी से भी समझ गए होंगे। और इसी टाइम को हम लोग क्या, सिंस एंड फॉर, इसी से का मीनिंग होता है सिंस या फॉर, यू नो, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। आप समझोगे ये जो टाइम एक्सप्रेशन जो यूज किया जाता है सिंस एंड फॉर के साथ, ठीक है, उसको समझोगे ना, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन या तो एक वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेशन या तो फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, यही टाइम एक्सप्रेशन एक सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझोगे, ठीक है, यहीं पे दे दिया जाए एग्जांपल, जैसे इसी का आप, ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, और बी के अकॉर्डिंग परफेक्ट एक्शन है ना, तो परफेक्ट एक्शन का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज एंड हैव, और बी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव, तो बी हैव बीन, ठीक है, परफेक्ट करने के लिए बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, और कॉन्टिन्यूअस करने के लिए भी, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें बी फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो बी हैव बीन स्टडिंग, बी हैव बीन स्टडिंग टेंस फॉर फाइव डेज, ठीक है, फॉर फाइव डेज। तो आप लोग देख रहे हो कि फॉर एंड सिंस के साथ, ठीक है, यहां पे फॉर के साथ क्या यूज किया गया, टाइम एक्सप्रेशन, और हैज बीन एंड हैव बीन का यूज किया गया, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर चल रहा था ना, तो वो सब चीज देखोगे तो इसको और आसानी से समझ पाओगे कि ऐसा क्यों किया गया। इस बीन, बीन का यूज होने का भी यहां पे क्या है, एक वजह, एक रीजन है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ओके, समझ रहे हो ना। अब देखोगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां तक समझ गए होगे आई थिंक, ओके। अब देखोगे जैसे लिखा जाएगा, He is working in this organization. अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझोगे, ठीक है, organization. अब देख रहे हो, he is working in this organization. Is MR verb का be form है, और इसके verb के, इसके साथ हम लोग verb का कौन सा form लिख रहे हैं, ing form. तब तो ये हमारा continuous action है. He is working in this organization. वह इस organization में काम कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दिया जाए कि वो इस organization में 5 सालों से काम कर रहा है, ठीक है, या बोल दें 2014 से काम कर रहा है, समझ रहे हो, एक टाइम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को ऐड कर दिया जाए इसी सेंटेंस में ना, ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, और उसे आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना होगा, और तो ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, पहले परफेक्ट करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, has, और has को भी perfect बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, be का third form क्या हो गया, has been, तो he has been, और action फिर से continuous हुआ, तो continuous के लिए verb का कौन सा form, ing form, तो be have been working, he has been working in this organization, ठीक है। अब देखो कि since यहाँ पे लिखें, तो since के बाद क्या use किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 2015 ऐसे लिख दिया गया, देख रहे हो, सिंस के बाद क्या यूज किया गया, एक टाइम एक्सप्रेशन यूज किया गया, ठीक है। तो जब यहां से हमें ये कंक्लूजन निकल कर आया, जब हम एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन में सिर्फ क्या इंक्लूड करते हैं, टाइम, जब भी टाइम मेंशन कर दिया जाता कि वो एक्शन पास्ट के किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था और अभी तक प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, सिर्फ टाइम ऐड कर दिया जाता तो वो एक्शन हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहां से हमें समझ में आया ना, ठीक है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में अगर किसी भी तरीके का टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, देख रहे हो, किसी भी तरीके का टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाता है, तो ये दोनों के मिलने से हमारा जो टेंस बनता है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ रहे हो ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन में टाइम एक्सप्रेशन, टाइम सिर्फ ऐड कर दिया जाता है। अब देखोगे वो टाइम जो है, सॉरी, वो जो टाइम है वो क्या हो सकता है, वो टाइम जो है हमारा पॉइंट भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है, ठीक है, और एक ड्यूरेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसी को समझोगे, ये क्या हो सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम, या इसको आप बोल सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, दूसरा जो टाइम हो सकता है वो पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड, या आप इसको बोल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
तो जब भी सेंटेंस में क्या स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया जाएगा, तो इसी की वजह से हम लोग सेंटेंस में जो फॉर एंड सिंस में हमें ये चूज करना होगा, तो क्या चूज करोगे? सिंस। ठीक है, इसी सिंस का यूज करेंगे और सिंस के साथ जो भी पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक टाइम का मेंशन किया जाएगा उसको करेंगे। ठीक है, और जब पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन की बात की जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? ओके, अब देखोगे आगे हम लोग चलते हैं कुछ यूसेज, ठीक है, सिंस एंड फॉर का देख लेते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ऐसे हम लोग देखिए अभी, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस एंड फॉर का यूज अब देखोगे, पहले सिंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी हमें डे का, कोई भी डे का बात करना होता है, ठीक है, कोई भी डे हो गया, ठीक है, कोई भी ईयर हो गया, ठीक है, कोई भी मंथ की बात की जा रही है, समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई भी मंथ की बात की जा रही है या कोई भी स्पेशल इवेंट, ठीक है, जैसे कोई भी फेस्टिवल का बात किया जाएगा स्पेशली स्पेसिफिक टाइम का, क्लियर। कुछ स्टेजेज ऑफ लाइफ की बात की जाएगी, ठीक है, स्टेजेज ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे हो जाएगा क्या, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, अडल्टहुड हो गया, क्लियर। और कोई स्पेसिफिक टाइम जो है लाइफ का, जैसे हम बोल सकते हैं, समझ रहे हो, जैसे इसके साथ हम लिख सकते हैं सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस हिज बेडिंग। अब देखो बेडिंग की बात की जा रही है, ठीक है, तो बेडिंग मैरिज किसी पर्सन का एक ही दिन हुआ है, तो इसी वजह से उसके साथ हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंस का यूज। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखोगे आगे थोड़ा सा, अगर फॉर की बात करें, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा, ठीक है, अगर फॉर की बात करें तो फॉर में हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है, कि ये क्या करेगा, एक ड्यूरेशन को रेफर कर रहा है, ठीक है, एक ड्यूरेशन, या आप इसको बोल सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर टू डेज, इस तरीके से जब एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, फॉर टू डेज, फॉर अ ईयर, ठीक है, फॉर अ ईयर, फॉर अ सेंचुरी, ठीक है, फॉर फाइव मंथ, फॉर फाइव मंथ, ठीक है, तो देख रहे हो ये सब क्या है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यूज होगा फॉर के साथ। ठीक है, तो फॉर के साथ ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या बोलोगे, सिंस 2016, क्लियर, सिंस जनवरी, क्लियर, इस तरीके से यूज होगा। तो आप लोग समझ गए होगे आई थिंक सिंस एंड फॉर का यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे करेंगे। ओके, अब देखोगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। जैसा लिखा गया, फॉर एग्जांपल, दे डैश लिविंग इन पटना डैश 2017, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया गया, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि हमें क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन बनाना, ठीक है, और टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, तो देख रहे हो ये सिंस 2017 का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सेंटेंस में, सिंस। और ये समझ रहे हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें वहां पर कौन सा फॉर्म चाहिए, हैव, और हैव के साथ क्या लिखेंगे, बी का फॉर्म बीन, ठीक है, तो दे हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2017, 2017 से कहां रह रहा, पटना में, ठीक है। आप बोलोगे सी इज, सी डैश स्टडिंग इन दिस स्कूल डैश 4 years, समझ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फोर ईयर्स, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 years एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, और सी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, और हैज के साथ बी का कौन सा फॉर्म, हैज बीन, तो हो जाएगा सी हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, वह 4 सालों से इस स्कूल में पढ़ रही है, समझ रहे हो ना? तो जब एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन में हम लोग टाइम को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, टाइम ऐड कर दिया जाता है, क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम बोल सकते हैं ही इज, ठीक है, रीडिंग अ नोवेल, अब देखोगे यहां पे ही इज रीडिंग अ नोवेल, ठीक है, तो हम बोलेंगे तो ये क्या है,
कंटिन्यूअस एक्शन है, ओनली ओनली कंटिन्यूअस एक्शन है, लेकिन जैसे हम बोल देना कि वह सुबह से कर रहा है ये काम को, तो उसी सेंटेंस को आपको लिखना होगा क्या, ही हैज बीन रीडिंग अ नोबेल, ठीक है, और मॉर्निंग, सुबह के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, सिंस मॉर्निंग, समझ रहे हो ना, ओके ये हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन ओनली ओनली कॉन्टिन्यूअस, और इसी को क्या बनाया गया, जब टाइम ऐड कर दिया गया सिंस के साथ, ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर लिखने की बात आएगी, ठीक है, तो लिख सकते हो सब्जेक्ट के साथ क्या, हैज एंड हैव, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, बीन, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस के लिए, आई एन जी फॉर्म, ठीक है, फिर क्या यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस एंड फॉर के साथ, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, सिंस एंड फॉर के साथ हम लोग क्या यूज कर देंगे, टाइम जब एड कर दिया जाएगा तब ये हमारा बन जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव। जब आप उसको निगेटिव बनाने की बात आएगी तो निगेटिव बनाने के लिए आप लोग समझ रहे हो कि सिर्फ हमें नॉट की जरूरत होती है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नॉट इसके बीच में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी यूज किया जाता है तो सी हैज नॉट बीन लिविंग, ओके। और जब इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो इसी हैज हैव को आप सेंटेंस के पहले करोगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखोगे बीन, और फिर लिखा जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, एंड फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, एंड फिर सिंस एंड फॉर के साथ टाइम को मेंशन किया जाएगा, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, क्लियर, समझ रहे हो, ओके। तो यहां तक आई थिंक आप लोग लेक्चर समझ में हो गया होगा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ओके, समझ रहे हो, ओके। नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, तो लेट्स सी, अब इस ब्लैंक, इन ब्लैंक में आप, ब्लैंक्स में आप लोगों को क्या करना है, सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर को फिल करना, ठीक है, तो हम लोगों ने सिंस एंड फॉर के यूसेज को समझा, अब देखो को फिल करेंगे, लिखा हुआ है 5 PM - 5 PM, अब सिंस या फॉर, ठीक है, तो 5 PM की बात करें तो 5 PM अपने आप में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो आप क्या फिल करोगे यहाँ पे, सिंस 5 PM, समझ रहे हो ना, अब देखोगे लिखा हुआ है डैश 4 days, ठीक है, तो 4 days क्या है, एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, मंडे से लेकर थर्सडे, ठीक है, तो क्या है, एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो ड्यूरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज, ठीक है, आप देखो नेक्स्ट डैश 12 o'clock, अब देखो वॉच में क्या बज रहा है, 12, तो 12 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है, इस वजह से क्या यूज किया जाएगा, सिंस, समझ रहे हो ना, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 4 में, ही लेफ्ट डैश, ही लेफ्ट द विलेज, अब यहाँ पे समझना है, ही लेफ्ट द विलेज डैश, ये कौन सा फॉर्म हुआ, सेकंड फॉर्म, ही लेफ्ट द विलेज, हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम एक्सप्रेशन या तो वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, या तो फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है, या तो एक सेंटेंस के फॉर्म में हो सकता है, आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक फ्रेज के फॉर्म में है, ठीक है, एक वर्ड फ्रेज के फॉर्म में, और यहाँ पे देख रहे हो क्या है, एक सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है, अब यहाँ पे समझना, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे ना, ही लेफ्ट द विलेज, तब तुम्हें समझना होगा कि वो गांव को छोड़कर गया, तो पास्ट के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो छोड़कर गया होगा, ये तो समझ रहे हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक होने की वजह से यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सिंस का फॉर्म, पास्ट के आप किसी भी पॉइंट ऑफ पॉइंट की बात करते हो, जैसे हम बोलेंगे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, तो एक पॉइंट की बात करें, एक स्पेसिफिक टाइम की बात करें, समझ रहे हो, 1947, अब देखोगे डैश द वॉर ऑफ कारगिल, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर या सिंस, अब कारगिल वॉर की बात करें तो ये भी एक स्पेसिफिक ईयर में स्पेसिफिक डेट को हुआ था, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, नेक्स्ट देख रहे हो डैश द चाइल्डहुड, ठीक है, अब चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड हम लोगों ने देखा स्टेजेस ऑफ लाइफ है, एडल्टहुड, ठीक है, यह सब क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है, इस वजह से इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, तो सिंस चाइल्डहुड हो गया, और लिखा होगा डैश 7 years, ठीक है, तो 7 years की बात करें तो क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, 7 years 2011 से लेकर 2018, तो क्या है, एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, फॉर, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है डैश लास्ट वीक, अब देखो लास्ट वीक की बात की जा रही है, जस्ट पीछे, लास्ट का मतलब क्या, इसके जस्ट प्रीवियस वीक की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो भी तो एक पॉइंट की बात की जा रही है, जहां से वो वीक फिनिश हुआ उसकी बात की जा रही है, तो वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है, यहाँ पे समझ गए, अब कुछ सेंटेंसेज के फॉर्म में उसको देखते हैं, लिखा हुआ ही डैश प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम डैश ही ग्रेजुएटेड, देखो फिर से लिखा हुआ है डैश ही ग्रेजुएटेड,
ठीक है, तो ग्रेजुएटेड यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कोई बंदा ग्रेजुएट किसी स्पेसिफिक डेट को ही तो होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेट होने की वजह से यहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, सिंस। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है, मतलब हमारा क्या है वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हैज, और हैज के अकॉर्डिंग बी का अगर फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बीन। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस ही ग्रेजुएटेड। जब से वो ग्रेजुएट हो गया ना तब से वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा सेंटेंस हो। करण डैश रीडिंग अ नोबेल डैश ही केम हियर, फिर से देखोगे ही केम होम, ही केम होम, तो वो किसी पार्टिकुलर टाइम पे घर आया, सुबह के 10 बजे 11 बजे किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे वो घर आया, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम होने की वजह से ही हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज, ठीक है। और जब टाइम पीरियड है सेंटेंस में तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, करण के अकॉर्डिंग हैज, और बी का कौन सा फॉर्म, बीन। तो करण हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस ही केम होम, समझ रहे हो ना, ही केम होम क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है। फिर लिखा हुआ द बॉयज डैश वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट डैश अ वीक, ठीक है, एक वीक से। तो 1 week की बात करें तो 1 week अपने आप में क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज, ओके। और देख रहे हो कि जब टाइम यूज हो गया और बॉयज के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाएगा, हैव, और हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म, बीन। तो द बॉयज हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, ओके, समझ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दे डैश टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016, देखो हम लोग ऐसे ही बोल दिए सिंस 2016, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2016, 14, 17 क्या है, ये सब एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, क्लियर। और इसी के दे के अकॉर्डिंग हम लोग यूज लिखेंगे हैव, और हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म, बीन। तो सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016, वो लोग इस स्कूल में 2016 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर टू डेज, अब देखोगे टू डेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आजकल, ठीक है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर, और ही के अकॉर्डिंग क्या हैज, और हैज के साथ बी का कौन सा फॉर्म, बीन। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर टू डेज, दो दिनों से उसे क्या है, बुखार है, ठीक है। सी डैश वर्किंग एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डैश फेब्रवरी, अब देखो फेब्रवरी की बात करें तो फेब्रवरी अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक मंथ हुआ, तो स्पेसिफिक मंथ होने की वजह से क्या यूज करेंगे, सिंस, क्लियर। और यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या हैज, और बी हैज के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म बीन, क्लियर। तो सी हैज बीन वर्किंग एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंस फेब्रवरी, क्लियर। यहां तक आई थिंक आप लोगों को, आई होप आप लोगों को सारा सिंस एंड फॉर का फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिया जाएगा, उसे आप लोग होमवर्क के फॉर्म में डन करोगे, क्लियर, ओके, ओके गाइस। तो ये हम लोगों के पास आपका ये जो 10 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आप लेक्चर को ध्यान से पहले देखोगे और फिर ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। और आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर पहले देखोगे तभी ये सारी चीजें बिल्कुल ही बोल रहे ना क्लियरली अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है, आप लोग करते नहीं हो कमेंट, ठीक है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग बेसिकली कोई भी यू नो कुछ भी तो आंसर कर सकते हो ना, कोई भी स्टूडेंट तो होगा ना जो कमेंट कर सकता है अपना कोई भी आंसर, ओके। अब नहीं करोगे तो आपका किसका लॉस है, आप ही लोग का लॉस है ना, ठीक है। अब कर सकते हो कमेंट, बेसिकली देखोगे थोड़ा सा सॉल्व करने का कि हो पाता है कि नहीं, हमसे हम कर पा रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा होगा ना अपने आप में कॉन्फिडेंस, ओके। तो करोगे आप लोग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय, ओके।